सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। डेराबस्सी पुलिस थाने में मुंशी ने ट्रैफिक इंचार्ज लखविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। थाने में हत्या से पुलिस से हड़कंप मच गया, तो वहीं दरअसल नशे में धुत मुंशी थाने में हवलदार से झगड़ा हो रहा था। ट्रैफिक इंचार्ज लखविंदर सिंह दोनों में बीच बचाव को कोशिश कर रहे थे, तभी आरोपी ने सर्विस रिवॉल्वर से लखविंदर सिंह को गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक ASI लखविंदर सिंह ने 4 दिन पहले ही डेराबस्सी स्टेशन पर वो तैनात हुए थे, तो थाने में ट्रैफिक इंचार्ज की गोली मारकर हत्या की गई। डेराबस्सी का ये पूरा मामला है, तो कुछ ही दिन पहले इस पुलिसकर्मी को यहाँ पर तैनात किया गया था, तो मुंशी और हवलदार के बीच झगड़ा और था और बीच बचाव करने पहुंचे लखविंदर सिंह को इस दौरान गोली लग गई। तो डेराबस्सी का ये पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस की तरफ से पूरे मामले में जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है उसके बाद पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। तो आरोपी मुंशी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, तो नशे में धुत मुंशी और थाने में हवलदार से जो है यहाँ पर झगड़ा हो रहा था, और इसी झगड़े को सुलझाने के लिए बीच बचाव करने की कोशिश ट्रैफिक इंचार्ज लखविंदर सिंह की तरफ से की जा रही थी, तभी आरोपी ने सर्विस रिवॉल्वर से लखविंदर सिंह पर हमला कर दिया और गोली मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। तो बताया जा रहा है कि ASI लखविंदर सिंह ने 4 दिन पहले ही डेराबस्सी को ज्वाइन किया था, उनको इस स्टेशन पर लगाया गया था, लेकिन उनको उनकी तैनाती कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ गई। तो फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मुंशी को गिरफ्तार कर लिया है। तो किसी बात को लेकर मुंशी और हवलदार में झगड़ा हो रहा था, जिसका बीच बचाव करने की कोशिश लखविंदर सिंह की तरफ से की गई, लेकिन इस दौरान उन्होंने उनका जो कदम है उसके चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आरोपी ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल कर उन पर हमला कर दिया और इस दौरान उनकी मौत हो गई। संवाददाता गुरमिंदर हमारे साथ डेराबस्सी से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। गुरमिंदर, डेराबस्सी में इंचार्ज लखविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या, पुलिस में हड़कंप। जी जी, मैं रात को देखी जो लखविंदर सिंह थे, जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं, वो यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात थे। उसके बाद वो चालान काटने के बाद अपनी पुलिस स्टेशन डेराबस्सी में जब पहुंचे, तो वहाँ पे काले खान जो मुंशी है वहाँ पे पुलिस स्टेशन डेराबस्सी में, उसका किसी अपने पुलिस अधिकारी से झगड़ा हो रहा था। जब वो झगड़ा इतना बढ़ते हुए देख के लखविंदर सिंह बीच बचाव के लिए गए, तो इतने में उसने जो काले खान था उसने उनको गोली मार दी। जी हाँ बिल्कुल गुरमिंदर, बीच बचाव करना कहीं ना कहीं ट्रैफिक इंचार्ज को भारी पड़ गया और अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, हालांकि गिरफ्तारी तो यहाँ पर कर ली गई है, आरोपी की जांच किस तरह से जारी आगे की? देखिए, पुलिस अधिकारी हैं जो अभी फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो काले खान है जिसने गोली मारी है उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने माना है कि वो नशे के बीच में थे और घर से वो नशा करके आए थे, शराब पी के आए थे, जिसकी वजह से उनके किसी अधिकारी से जो झगड़ा हुआ उसके पीछे वो भागे। जो पुलिस अधिकारी दूसरा था वो अंदर अपने जेल के बीच में भाग के चला गया, तो पीछे से उन्हें जब गोली मारी तो आगे ये लखविंदर सिंह बचाव के लिए आए थे, उनके ही गोली लगी जो उनके सिर में लगी है। फिलहाल उनको उनकी डेड बॉडी है मोकचिरमी डेराबस्सी हॉस्पिटल रखवा दी गई है, लेकिन आगे की जो कार्रवाई है फिलहाल पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, लखविंदर सिंह की अगर परिजनों की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है गुरमिंदर? ठीक है, अभी फिलहाल उनके कई उनके जो घर वाले उनसे अभी तो बात नहीं हो पाई, लेकिन फिलहाल जो लखविंदर सिंह थे अभी हवलदार थे, कुछ दिन पहले ही प्रमोट होके वो ट्रैफिक इंचार्ज बने थे। रात को चालान काटने के बाद जब ड्यूटी पर लौटे, ड्यूटी खत्म करके जब थाने में जा रहे थे, तो रास्ते में उनको देखा कि उनके घर उनके थाने के बीच में वो जो झगड़ा बढ़ रहा था उसके बचाव के कारण उनकी जान चली गई। जी चलिए गुरमिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो थाने में ट्रैफिक इंचार्ज की गोली मारकर हत्या कर दी गई, हालांकि अब फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है।